अमेरिका के लुइसविले शहर में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित कर दिया गया है। ये घोषणा तब की गई जब लुइसविले में हिंदू मंदिर में महाकुंभ जल अभिषेकम उत्सव मनाया गया। तब वहां के मेयर ने ये घोषणा की कि हर साल 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाया जाएगा। वहां पर ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष चिदानंद सरस्वती, श्री श्री रविशंकर जी भी मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में ये महायज्ञ किया गया। वहां के मेयर ने घोषणा की कि सनातन धर्म दिवस अब 3 सितंबर को मनाया जाएगा। जबकि हमारे भारत देश में कुछ अभद्र लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सनातन धर्म के बारे में बोल रहे हैं, जिन्हें सनातन धर्म के बारे में पता भी नहीं है कि सनातन धर्म क्या है, और वो उसे डेंगू मलेरिया बता रहे हैं। इस मौके पर स्वामी जी ने कहा कि बड़ी दुखद बात है कि भारत में कुछ लोग सनातन धर्म के मूल्य को, उसकी गहराई को नहीं समझ पा रहे हैं और नकारात्मक पैदा कर रहे हैं। फिर भी अमेरिका में हम इस घोषणा का जश्न मना रहे हैं। तमिलनाडु के खेल और कल्याण मंत्री उदय निधि के बयान में जो उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी है जिसका विरोध नहीं समाप्त कर देना चाहिए, मैं उससे कहना चाहती हूँ कि सनातन धर्म सर्वत्र है। सनातन धर्म ना कभी मिट सकता है ना कभी मिटेगा। जय श्री राम।